हमारी पोस्टों को लगातार सुनने, देखने और उनका लाभ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अथवा हमें फॉलो कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी को भी बजाइए और दूसरे विकल्पों को भी अपनाइए, जिससे हमारी पोस्टों की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। मित्रों, हमारे देश भारत में पायजब पायल महिलाओं के 16 श्रृंगारों में से एक है। महिलाएं पायल पहनना बहुत पसंद करती हैं। पायल पैरों की सुंदरता को बढ़ाती है और इसकी आवाज़ से पुरुष भी महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं। इसके पीछे बुजुर्ग कुछ शुभ अशुभ के कारण मानते हैं, लेकिन इसके अलावा पायल पहनने से महिलाओं को कई स्वास्थ्य से संबंधित लाभ भी मिलते हैं। प्राचीन समय में पायल विशेष संकेत के लिए पहनी जाती थी, ताकि कोई स्त्री कहीं जाए या आए तो पायल से उसके आने जाने का संकेत मिलता रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार पायल के स्वर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। औरतों का शरीर और मन पुरुषों की अपेक्षा कोमल संवेदनशील माना गया है। औरतों के शरीर में हार्मोन्स के उतार चढ़ाव का शरीर और मन विचारों पर काफ़ी असर होता है। ऐसे में प्राचीन वैज्ञानिकों ऋषियों ने कुछ ऐसे रिवाज कुछ ऐसे उपकरण बनाए जिससे औरतों के मन और स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। प्रचलन में बढ़ने पर इनको सुंदर गहनों का रूप मिलने लगा और यह नियम पूर्वक पहने जाने लगे। सोने के गहने गर्मी और चांदी के गहने ठंडी का असर शरीर में पैदा करते हैं। कमर के ऊपर के अंगों में सोने के गहने और कमर से नीचे के अंग में चांदी के आभूषण पहनने चाहिए। यह नियम शरीर में गर्मी और शीतलता का संतुलन बनाए रखता है। ज्योतिषाचार बताते हैं कि पायजब पायल बिछिया सोने और चांदी दोनों धातुओं की होती हैं, लेकिन चांदी की पायल पहनना अधिक शुभ माना जाता है। सोने की पायल पहनी जाती है, लेकिन सोना गले और सिर की शोभा बढ़ाता अच्छा लगता है। इसलिए शास्त्रों में सोने की पायल को पैरों में पहनने का जिक्र बहुत कम मिलता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी महिला का स्वास्थ्य खराब है और वह पायल पहन ले तो अपने आप ही उसकी तबीयत में सुधार आने लगता है। पायल धारण करने से उसके भीतर पनप रहे सभी नकारात्मक ऊर्जा की तरंगे धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं। यदि किसी स्त्री के पाँव में सूजन आ जाए और वह उस पर पायल पहन ले तो कुछ ही घंटों में वह सूजन कम हो जाती है। यह एक जांचा परखा उदाहरण है जिसे देख साइंस भी हैरान है। एक स्त्री द्वारा यदि आभूषण धारण किए जाते हैं तो वह सभी सोने के या फिर सभी चांदी के नहीं होने चाहिए। कमर से ऊपर के आभूषण सोने से बने हों तथा कमर से नीचे पांव तक के सभी आभूषण चांदी के होने आवश्यक हैं। यानी कि कान की बाली, झुमका, गले का हार, कमरबंद, चूड़ियां, कंगन आदि आभूषण सोने के हों, लेकिन पायल बिछिया जैसे आभूषण जो पैरों में पहने जाते हैं वह चांदी के होने चाहिए। इन सभी तर्कों को मान्यता देने के लिए कुछ धार्मिक परंपरागत एवं साथ ही वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। पैरों तथा पाँव की उंगलियों में कौन सा आभूषण पहना जाता है तथा क्यों, इसके भी तत्व प्राचीन काल से हमारे समाज में मौजूद हैं। आपको अगर इस पोस्ट में दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो हमें अपने कमेंट से अवगत कराएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमें फॉलो करें। नोटिफिकेशन के लिए घंटी को बजाइए और दूसरे जो उपलब्ध विकल्प हैं उसे भी अपनाइए। सादर। Audio Jungle.